नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दमोह के पटेरा से। जी हां, जहां पर चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किए हैं, जहां एक और पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं चोरों ने इस घटना को अंजाम देकर ये जता दिया है कि उनके हौसले बुलंद हैं। जी हां, पटेरा के कुमारी में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। चोरों ने कुमारी में निवासरत अमित सोनी के घर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। मामला शनिवार की रात का है। शनिवार की रात में अज्ञात चोर ज्वेलरी चुरा कर ले गए हैं। जेवरात जिनमें सोने चांदी के आभूषण शामिल है, यह करीब 3 से 4 लाख की कीमत के आंके जा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस जांच में जुट गई है। नाले के आगे ज्वेलरी के खाली डिब्बे भी पड़े मिले हैं। सागर से स्क्वाड टीम डॉग जो कि घटना से जहां खाली पड़े डिब्बे हैं नाला तक पहुंचा है। सभी वस्तुओं की जांच सैंपल भी किए गए। पथरिया एसडीओपी भी मौका स्थल पर पहुंच चुके हैं। पुलिस तमाम पहलू पर सूक्ष्मता से जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कवायद शुरू हो गई है क्षेत्र में। इसके पहले भी चोरी की घटना को चोर अंजाम दे चुके हैं। सुबह सर चोरी हुई है एक सोनी परिवार में, बताएं उसके बारे में। हाँ, ये अमित सोनी हैं, यहीं रोड पे लकेरा मोहल्ला में इनका मकान है, इसी में रहते हैं और सामने दुकान किए हैं। रात्रि में कोई अज्ञात चोर इनका शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात ले गया है। डाक पार्टी हमारी एफएसएल टीम सभी आए हुए हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पूरा कि इनकी चोरी हम ट्रेस करेंगे और इसमें इनके चांदी के पायल, डोरा, ब्रेसलेट और कुछ सोने का सामान करीब 2-2.5 लाख रुपए का समथिंग सामान चोरी गया है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि ये घटना किसके द्वारा की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में है और तलाश पतासाजी जारी है।